आपने एक वीडियो देखा, वो मैंने काइनमास्टर ऐप से वीडियो एडिट किया हुआ है। अगर आपको भी एक व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इस तरीके का एक एडिटिंग सीखना है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग सिंपल से काइनमास्टर ऐप से इस तरीके का एडिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके के वीडियो एडिटिंग के लिए काइनमास्टर एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होना चाहिए। काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद अब मैंने आपको जैसा वीडियो पे दिखाया है वैसे ही आपको एक बना के दिखाने वाला हूँ। इससे ज़्यादा भी आप अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, आपको इसके लिए थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 16:9 आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक YouTube शॉर्ट या फिर Instagram के लिए बना रहे हैं तो 1:1 या फिर 9:16 भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग 16:9 को चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको एक बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेता हूँ और आप उसको जितना भी टाइम के लिए बनाना चाहते हो, टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इस हिसाब से 30 सेकेंड का वीडियो बनाना चाहते हो या फिर 1 मिनट का, मैं यहाँ पर से आपको 10 सेकेंड का सिंपल वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर से मैंने 10 सेकेंड एडजस्ट कर लिया है और अब आपको करना क्या है, अब आपको जो भी सॉन्ग आपको एडिट करना है, जो भी म्यूज़िक आपको चाहिए, सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाके उसको ऑडियो फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। तो ऑडियो पे क्लिक करना है और मैंने यहाँ पर से जो सॉन्ग मैंने आपको स्टार्टिंग पे सुनाया उसी सॉन्ग को मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। उस सॉन्ग को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस सॉन्ग को मैं सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर से एडिट करके दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों आपको म्यूजिक ऐड करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर से जो भी टेक्स्ट या फिर जो भी म्यूजिक आपको लगाना है उसका लिरिक्स आपको यहाँ पर से ऐड करना है और यहाँ पर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर से फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। या तो आप कोई भी फॉन्ट यहाँ से भी चूज कर सकते हैं या फिर आपको साइड में लेटिन करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जो भी आपको फॉन्ट पसंद आ रहा है आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, ये कितने समय में आपका रिलिक्स ख़त्म हो रहा है वो आपको यहाँ पर से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद आपको ट्रिम कर लेना है। तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, आपको इस पर क्लिक करके जितने भी आपका रिलिक्स आ रहा है जिस सॉन्ग पे वो आपको यहाँ पर से ऐड कर लेना है। अब आपको ध्यान से देखना, अब मैं कुछ एडिटिंग टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो एडिटिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। अब आपको इस फॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर से आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन आता है। इन एनिमेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से भी कोई सा भी एनिमेशन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैंने एक स्केल अप पे क्लिक किया और बैक जाके मैं आउट एनिमेशन में कोई दूसरा चूज कर लेता हूँ, स्केल अप। ओके, तो स्केल इन एंड स्केल अप, ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इस तरीके से आने के बाद अब मुझे इसका कलर चेंज करना है थोड़ा यूनिक बनाने के लिए। अब मुझे यहाँ पर से थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर से आपको शेडो ऑफ रहेगा आपको शेडो ऑन करना है और आपको ब्लैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर से चूज करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा 70 या 50 पे आपको यहाँ पर से कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको ग्रो का ऑप्शन मिल रहा है, ग्लो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसको आपको रेड कर देना है और इसको आपको 100 पे जाके क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर से कुछ देखने को मिलेगा और या तो आप शेडो को थोड़ा सा और ब्राइटनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। इसके बाद ये देखिए ये यहाँ पर से आ चुका है। करने के बाद अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और साइड में आपको एक की का ऑप्शन मिल रहा है, चाबी का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इसे क्या करना है, सबसे लास्ट पे लाना है और लास्ट पे लाने के बाद आपको इसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, थोड़ा हम पीछे जाते हैं
और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते इस तरीके से। इसके बाद आपको थोड़ा सा और पीछे जाना है और इसको हम इसको ऊपर कर लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर से बन जाता है और आपको इससे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर से कुछ आपको देखने को मिलेगा। इतना कर लेने के बाद अब आपको इसी फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना है और इसका डुप्लीकेट आपको यहाँ पर से एडजस्ट कर लेना है और जो भी आपका अगला रिलिक्स है उसको आपको यहाँ पर से एडिट कर लेना है। तो यहाँ जाके आपको इसे कट कर लेना है और यहाँ पर से आपको अगला रिलिक्स को ऐड करना है। इतना करने के बाद देख सकते हो ये आ चुका है। अब मैं आपको इसे ऑन करके भी दिखाऊंगा एक बार। तो यहाँ पर से हम इसे हटा लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर से जैसे ये ऑन होगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। अब आपको वापस से वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक इमेज को उठा लेना है जिस पे आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर से मैं क्रिएटिविटी एक फ़ोटो को ले आया हूँ जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर से दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से और इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर से अल्फ़ा का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसका जो शेडो इसको हम काफ़ी कम कर लेते हैं और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इसको नीचे कर लेंगे और जितना जितना रिलिक्स हमारा उस हिसाब से हम इसको पहले ट्रिप कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, वापस से इस पर क्लिक करना है, जो ये चाबी का ऑप्शन आपको दिख रहा है की का, इस पर क्लिक करके आपको लास्ट में आना है और लास्ट में आने के बाद इसको आपको ऊपर रख देना इस तरीके से और आपको थोड़ा सा बैक आना है तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और बैक आओगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और हम इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। आपको इसका डुप्लीकेट तीन कर लेना है तो हम यहाँ पर से तीन डुप्लीकेट कर लेते हैं। आपका जितना बड़ा रिलिक्स है उस हिसाब से आपको यहाँ पर से डुप्लीकेट करने की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम लोग कर लिए हैं। अब मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा दे कि यहाँ पर से कुछ इस तरीके के जा रहे हैं और ये इसी तरीके से जाते रहेंगे तो काफ़ी यूनिक सा जो आपका रिलिक्स वीडियो है एडिटिंग वो आप सीख चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तेरी आँखों में उदासी।